Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हारे को कराने जा रहा हूँ। देखने में बड़ा सिंपल लगता है और ऐसा लगता है ओरल है भी ओरल। अगर 1 or 2 मार्क का आ जाए तो आपको उसको उतना ही सिंपल लिखना है, लेकिन वही क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग वे चेंज कर देते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन आप समझिए, ए फर्म हैज एवरेज डेटर्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल। ऑन एन एवरेज एक फर्म के जो डेटर्स हैं वो करीब 2 महीने की सेल जो है उधार पर ही रहती है। जैसे साल भर में अगर मैं सेल कर रहा हूँ करीब 12 लाख, तो पर मंथ सेल हुई 1 लाख, तो 1 लाख अगर पर मंथ है तो 2 महीने की सेल हुई 2 लाख, तो हमारे डेटर्स आमतौर पर 2 लाख ही रहते हैं। ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर अगले साल में फर्म लो या आ भी गया क्रेडिट सेल 12 लाख रुपए की एक्सपेक्ट कर रही है, तो बताओ व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेटर्स। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका यही हो गया, बिल्कुल सिंपल जैसे मैंने बताया, एवरेज डेटर्स विल बी 12 लाख रुपए की पूरे साल की सेल और डेटर्स हैं 2 months की सेल के बराबर, तो आंसर इज 2 लाख। इतना ही सिंपल है। बट अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का है तो अब आप इसको बड़े ध्यान से सुन, याद रख लो डेटर्स के साथ जब हम लोग मंथ्स बता रहे थे कि डेटर्स 2 महीने के बराबर है, इसका मतलब दैट इज एवरेज एज ऑफ कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, 12 और 365 जो भी होगा, क्वेश्चन में मंथ्स बोला है इसलिए मैं सिर्फ 12 लिख रहा हूँ, डेज दिए होते तो मैं 360 लिख देता, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे कि इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो 2 months है इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, therefore debtors turnover ratio will be equal to 12/2, 6 times debtors turnover ratio 6 times निकलती है। मतलब average collection period या debt collection period दिया हो तो उससे आप debtors turnover ratio निकाल सकते हैं, जैसे कि इस question में हमने निकाला। Again ये एक तरह से step number 1 बोल दो। Number 2 again डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 6 times, हमने अभी भी निकाला। नेट क्रेडिट सेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल की 12 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, और जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया या मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, जो मर्जी कह लो आप, 12 लाख को डिवाइड करूंगा 6 से 2 लाख रुपए। समझ गए, एक चीज देखो कितना सिंपली एक ही लाइन में आ गई थी, बट वही अगर मैं उसकी डेप्थ में जाके देखूं तो ये भी उसका एक सॉल्यूशन बनता है। तो अगर यही 4 मार्क्स का आता है और आप एक लाइन में लिखाते हैं तो हम आपको मार्क्स नहीं देने वाले, हम चाहते हैं कि इसकी जो अंदर की गुंधी हुई चीज है उसको निकाल के दिखाओ। So, जब भी डेटर के साथ मंथ्स लगे हो तो आपने उसको डेट कलेक्शन पीरियड बोलना है, उस डेट कलेक्शन पीरियड से आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगी और फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो से आपको डेटर्स का अमाउंट निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने माइंड में रखें। ओके okay?